हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब नए समीकरण बनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी हाईकमान अब तक पीएम मोदी के चेहरे पर हिमाचल में चुनाव लड़ रहा था, लेकिन अब धूमल को सीएम प्रत्याशी के बनाए जाने के बाद रणनीति बदल चुकी है। बीजेपी नेता धूमल को जनाधार वाला नेता बताकर अब बीजेपी के मिशन 50 को पूरा करने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सुजानपुर से धूमल को जिताने के लिए उन्हें सीएम फेस बनाया गया है। ये निर्णय जो है ये कांग्रेस के प्रेशर में नहीं लिया गया होगा, और हमारा नेतृत्व इतना सशक्त है और हमारा नेतृत्व जो है वो सही समय पर सही फैसला लेने में जो है वो समर्थ है। तो 50+ मिशन को हासिल करने के लिए एक लोकप्रिय छवि वाले नेता को और जनाधार वाले नेता को प्रोजेक्ट किया जाना, मुझे लगता है यही मंशा रही होगी राष्ट्रीय नेतृत्व की। और मोदी जी की लोकप्रियता तो है ही है, लेकिन अब मुझे लगता है बीजेपी ने यहाँ पर सीएम का फेस घोषित नहीं किया था। वीरभद्र सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे थे, वीरभद्र जी के सामने मोदी नेतृत्व के नाम से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। अब उन्होंने बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल जी को चेहरा घोषित कर दिया। बीजेपी लगा कांग्रेस लगातार कह रही थी कि बिंदुली की बारात है, अब दूल्हे बनिए। क्या कहेंगे कि क्या प्रेशर था, क्या कांग्रेस का प्रेशर था या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ कुछ लग रहा था? इन्हें पता है राज साहब का क्या स्टेटस है, किस तरह से यहाँ पे सरकार कितनी स्ट्रांगली यहाँ पे काम किया गया है। अब उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दो दो उप मुख्यमंत्री के नाम भी घोषित कर दें। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।